हाय, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं अतुल कुमार, आप सबका फिल्म फॉर्म के प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। टुडे मोस्ट वेलकम सेशन एंड गुड मॉर्निंग साक्षी, कैसे हैं आप और पढ़ाई आपकी कैसी चल रही है? सभी लोग जल्दी से ज्वाइन कर लेंगे और उसके बाद हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। ओके, एक बार क्लियर कर दो साक्षी कि वॉइस वीडियो पीपीटी क्लियर है ना? वॉइस वीडियो पीपीटी क्लियर? गुड मॉर्निंग जोया, ओके, थैंक यू साक्षी। गुड मॉर्निंग पूजा, चलिए ज्वाइन कीजिए सभी लोग। गुड मॉर्निंग कोमल, कल के लेक्चर में या कल की क्लास में किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट हो तो बताइएगा, तब तक उसे हम लोग ले लेते हैं। 2-3 मिनट वेट करेंगे, उसके बाद हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे। ओके कोमल, साक्षी, पूजा, जोया, किसी भी स्टूडेंट का हो। राधे राधे गुड्डू, ओके थैंक यू कोमल। ओके ओके जो है, तो आज हम लोगों को बैंथम के बारे में पढ़ना है। सर, संप्रभुता क्या होती है? ओके, अभी बताते हैं। बैंथम के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। साक्षी, संप्रभुता पता क्या होती है? जैसे मान के चलिएगा, आपकी फैमिली के नियम कानून, आप अपनी फैमिली के द्वारा बनाए गए नियम कानूनों के अनुसार चलती है, वैसे ही एक राज्य में जो कानून होते हैं, अर्थात जिसके ऊपर किसी अन्य राज्य के कानून ना हो, जो अपने स्वयं के कानून बनाकर मतलब स्वयं के डिसीजन पर अमल रहे, उसे संप्रभु कहते हैं। मतलब आपको अपने हाथ में अपने ही नियम रहे, है ना, आपको डिसीजन लेने की शक्ति हो, उसे हम संप्रभु कहते हैं। ओके, राधे राधे करिश्मा, उपयोगितावादी, यस, यूटिलिटेरियनिज्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। उपयोगितावाद क्या है, बैंथम का, उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके करिश्मा, सॉरी, ओके कॉमन, गुड, वेरी गुड। साक्षी, संप्रभु का मतलब पता है आपको? कि मतलब आपके ऊपर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बनाए गए नियमों का शासन नहीं होगा। ओके, राज होता है संप्रभु, राज अपने द्वारा बनाए गए नियमों से ही अधिनियमित होता है। ओके, ओके, वेरी गुड। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को हम लोग। जर्मी बैंथम एक उपयोगितावादी विचारक है। अर्थात यूटिलिटेरियनिज्म, उपयोगितावादी विचारधारा क्या कहती है? अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, मैक्सिमम पीपल एंड मैक्सिमम हैप्पीनेस। उपयोगितावादी विचारक, सबसे पहले याद रख लीजिएगा, ये लोग सामाजिक समझौता, प्राकृतिक अवस्था, इन सारी चीजों को खराब मानते हैं। अर्थात जिन लोगों को हमने पहले पढ़ा है, जिन थिंकरों को, जैसे हॉब्स, लॉक, रूसो, इन लोगों को पढ़ा है, तो इनके विचारों को ये खराब मानते हैं। हमने आपको कल बताया था कि रूसो के प्राकृतिक, सॉरी, लॉक के प्राकृतिक नियमों को बकवास, और सबसे बड़ा बकवास किसने कहा है? तो जर्मी बैंथम ने। ओके, ये थिंकर जितने भी हम लोग पढ़ेंगे, तो ये लोग कहते हैं कि जो प्राकृतिक अवस्था या प्राकृतिक कानून नियम जो है वो खराब है। ठीक है, ये लोग देखते हैं कि व्यक्ति अधिकतम खुश किस में है,
कैमरा थोड़ी देर बंद रहेगा है ना, तो आपको हमारा वीडियो नहीं दिखेगा। बैंथम का भी हमने नोट्स नहीं भेजा है आप लोगों के पास, बैंथम का थोड़ा नोट्स हमें एडिट करना होगा, उसके बाद हम भेजेंगे। ओके, किसी को भी नहीं मिलेगा, नहीं मिला हुआ होगा। गुड मॉर्निंग चिंकी। चले तो बैंथम के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इनका जन्म 1748 में लंदन में हुआ था, और जर्मी बैंथम की जो रचनाएं हैं ये मुख्य इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, उनको आप लोग याद कर लीजिएगा। ओके चलिए, अब इनकी मूल विशेषता क्या है, इनके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। ये बैंथम ने इंग्लैंड के अमूर्त विचारों का खंडन किया है। इंग्लैंड में जब स्वतंत्रता की मांग उठ रही थी, उदारवाद आया था, मैंने बताया था गौरवपूर्ण क्रांति के बारे में है ना, ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बारे में, उदारवाद में जब जॉन लॉक को पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था। ओके, अगर जिन स्टूडेंटों को पता नहीं हो तो वो आप लोग पढ़िएगा थोड़ा। इन्होंने प्राकृतिक अधिकार, सामाजिक समझौता, सामान्य इच्छा एवं ईसाइयत नैतिकता का खंडन किया है। जो प्राकृतिक, जो उदारवादी थिंकर थे, उन्होंने इन सब के बारे में बात करते हैं, और इन्होंने इन चीजों को गलत माना है ना, इसीलिए उन्हें सेवाइन ने दार्शनिक अमूलवादी कहा है, जो कई चीजों को नहीं मानते हैं। ये लोग मानते हैं, ये लोग कहते हैं, जैसे कि उदारवाद में हम लोगों ने देखा था कि प्राकृतिक नियम और सामाजिक समझौते से लोग खुश हैं, लेकिन ये लोग कहते हैं अधिकार आपके पास नहीं है, जब राज जाएगा तभी आपको अधिकार मिलेंगे राज्य के द्वारा। और व्यक्ति कब खुश होता है, खुश रहता है, जिसमें अधिकतम व्यक्ति और अधिकतम सुख, मतलब अधिकतम व्यक्तियों द्वारा बनाया गया नियम क्या होगा, अधिकतम व्यक्तियों के लिए सुखदायक होगा, उसमें अल्पसंख्यक को ध्यान में नहीं रखा जाता है। करिश्मा फोर सोशल कॉन्ट्रैक्ट थिंकर, नहीं नहीं करिश्मा, ओनली थ्री सोशल कॉन्ट्रैक्ट थिंकर होते हैं, हॉब्स, लॉक एंड रूसो, तीन थिंकर हैं, और ये बैंथम जो है वो उपयोगितावादी हैं। ओके, यूटिलिटेरियनिज्म थिंकर है। इनको सीधा याद रखेंगे, इन्होंने किन किन चीजों का वो किया है खंडन या आलोचना की, प्राकृतिक अधिकार, सामाजिक समझौता, सामान्य इच्छा एवं ईसाइयत नैतिकता, ये सब हम आपको पढ़ा चुके हैं, तो इसे आप लोग जब लॉक, हॉब्स और रूसो को पढ़ेंगे तब आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। उपयोगितावादी, ये पहले व्यवस्थापक प्रतिपादक रहे हैं उपयोगितावादी के, दिस फर्स्ट स्टेब्लिश थिंकर जो इन्होंने उपयोगितावाद का स्टेब्लिश किया है। उसने उपयोगितावादी मान्यता प्रतिपादित करते हुए कहा है, यदि सुखों की मात्रा समान हो तो पुष्पन खेलना उतना ही अच्छा लगता है जितना कि अच्छा काव्य पढ़ना। इसका मतलब समझ लीजिएगा, ये हॉब्स का, सॉरी ये बैंथम का कथन है। गुड मॉर्निंग साहब हुसैन, तो ये बैंथम का कथन है। बैंथम ने कहा है, व्यक्तियों की सुखों की मात्रा जितनी अधिक होती है उतना ही अधिक अच्छा होता है, उतना ही अधिक पुष्पन खेलना, उतना मतलब कहने का तात्पर्य ये है उनका कि व्यक्ति के पास जितने सुख के सामान होंगे या मात्राएं होंगी उतना ज्यादा वो खुश रहेगा। ओके, ये चीज याद रखिएगा। तो ये कहते हैं कि व्यक्ति खुश कैसे रहे, जब हम लोग मिल को पढ़ेंगे आगे तो मिल के बारे में भी देखेंगे। मिल कहते हैं कि जो सुख है वो दो, मात्रात्मक एवं गुणात्मक है, और इनका जो है, ओके वेट करिए थोड़ा, जो है इनका, जो है इनका सुख ओनली कैसा है, मात्रात्मक, याद रखिएगा, मतलब मात्रा में सुख ज्यादा होना चाहिए, सुख का गुणात्मक से मतलब नहीं है, मतलब क्वांटिटेटिव होना चाहिए, क्वालिटेटिव नहीं होना चाहिए। क्वांटिटेटिव में क्या होता है, मान के चलिए आपके पास संसाधन जुटाना आपको खुश प्राप्त, सुख सुख प्राप्त करता है ना, जैसे आपने कहा मेरे पास आईफोन होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो इनसे आपको सुख प्राप्त होता है, लेकिन जब मिल को हम लोग देखेंगे आगे तब वो गुणात्मक के बारे में करते हैं। ओके, तो यहाँ अभी हम लोग बैंथम को पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट, उपयोगितावाद के पहले प्रतिपादक हैं। उपयोगितावाद में क्या है, जैसा कि उदारवाद में था कि प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक कानून थे, वैसा ही उपयोगितावाद में क्या है, ये कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में किसी भी प्रकार का कोई भी कानून नहीं था, बल्कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख होगा, जो राज्य पहले से बना हुआ है और उसमें राज्य द्वारा आपको अधिकतम सुख दिए जाएंगे, है ना, राज्य आपको अधिकार देगा, और अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख जिसमें अधिकतम लोगों द्वारा बनाए गए कानून सभी पर लागू होंगे, अर्थात कहने का मतलब ये है कि जिसमें अल्पसंख्यक होगा तो उसके बारे में नहीं देखा जाएगा। जैसे मान के चलिएगा 10 व्यक्तियों ने एक कानून बनाया और एक व्यक्ति ने कानून
कहा कि ये कानून मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो उस व्यक्ति की बात नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि ये लोग देखते हैं जिसमें अधिकतम लोग हैं उन्हें सुख प्राप्त है, तो मान लिया जाता है कि जो नीचे क्या एक दो व्यक्ति छूट गए हैं तो उनके हम सुख का हनन नहीं कर सकते हैं। ओके, क्लियर हुआ जो है। अगला पॉइंट है, मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य ये कहते हैं सुख प्राप्ति है, मानव दुख को कम से कम करना चाहता है ना। तो चीज ये याद रखेंगे, इनकी जो रचना है एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेचर में लिखा है, मानव जीवन में दो स्वामी हैं, सुख और दुख, जो सुख को प्राप्त करना चाहता है और दुख से दूर भागना चाहता है। ऐसा कार्य जो मानव को ज्यादा से ज्यादा सुख प्रदान करे वह उपयोगी होंगे, वे सब काम अच्छे हैं जो सुख उत्पन्न करते हैं। अर्थात मतलब ये इनका ये है कि मान के चलिए अगर आप दूसरे को कुछ नुकसान पहुंचा रहे हैं और आपको उसमें सुख प्राप्त होता है, तो वो कहते हैं अगर अधिकतम व्यक्ति कहें कि दूसरे को नुकसान पहुंचाना सुख है, तो आप दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं, है ना। तो इनका सीधा सा सिद्धांत ये है कि सबसे अच्छे काम वह है जिसमें आपको सुख प्राप्त हो। ओके, वह समाज अच्छा है जहां अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख हो। ये भी बात कहते हैं कि उस वह समाज बहुत अच्छा होता है जिसमें अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख हो। जैसे मान लीजिएगा कोई भी समाज है, बहुसंख्यक समाज है जिसमें मेजॉरिटी किसी एक कम्युनिटी की ज्यादा है और कुछ लोग अल्पसंख्यक हैं, है ना। तो कानून जो चलेंगे वो इन लोगों के अनुसार चलेंगे, इनके अनुसार बिल्कुल नहीं चलेंगे, ये कहते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखिएगा आप, तो इन लोगों का शोषण तो हो ही रहा है ना, लेकिन बैंथम कहते हैं ये चीज सही है, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। ओके, बैंथम के जो हमने आपको सुख बताया वो मात्रात्मक है, क्वांटिटेटिव है, ना कि क्वालिटेटिव। ओके, तो यहां से क्वेश्चन बनता है और यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि बैंथम के सुख किस प्रकार है या कैसे है, तो मात्रात्मक है, क्वांटिटेटिव मतलब संख्यात्मक है। ओके, बैंथम एक उपयोगितावादी विचारक है, उपयोगितावाद को परमाणुवाद भी कहा जाता है, सॉरी परिणामवाद भी कहा जाता है। अब बैंथम ने कहा है सुख को मापने की गणना को सुखवादी आकलन, फुल सेफिक कैलकुलेशन कहा है। तो कभी कभी यहां से क्वेश्चन भी बन जाता है कि बैंथम ने अपने सुख मापन की गणना या सुख मापक यंत्र को क्या कहा है ना, तो फुल सेफिक कैलकुलेशन कहा है, सुखवादी आकलन। ओके, ये चीज याद रखिएगा। बैंथम के अनुसार सुख को मापने के निम्नलिखित मात्रक है, उन्होंने कुछ सात प्रकार के सुख को मापने के मापदंड बताए हैं। ओके, या मात्रक बताए हैं मेजरमेंट करने के लिए। तो पहली, सुख की तीव्रता, सुख मिलते ही रहना चाहिए, समयावधि देर तक रहना चाहिए, निश्चितता कि कन्फर्म है इससे मिलेगी, और निकटता आपके पास निकट होना चाहिए, उर्वरक है ना, उत्पादक मात्रा, ये सारी चीजें सुख को मापने के यंत्र है। तो यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि वो बैंथम के सुख को मापने के मात्रक कौन कौन से हैं या कौन से नहीं है, तो यहां से भी पूछ सकते हैं। ओके, याद रखिएगा। अब बात आती है कि बैंथम का जो है अधिकतम व्यक्ति अधिकतम सुख का विचार उन्होंने कहां से लिया है, तो कभी कभी पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन, कई बार पीएचडी एंट्रेंस में भी कई यूनिवर्सिटी में पूछा गया है ना। और ये क्वेश्चन नेट जीआरएफ में भी पिछली बार पूछा गया है, 2008-09 में आया है, है ना, 10 में भी आया है। तो अधिकतम सुख अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख अचीसन से लिया है, हचीसन भी लिख सकते हैं या अचीसन भी लिखते हैं। ओके, और अगला पॉइंट है सुख और दुख नामक शब्द या दो नामक शब्द किससे लिए, तो प्रीस्टले से लिए हैं, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ओके, याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, उपयोगितावाद एवं उदारवाद। उपयोगितावाद उदारवाद का एक प्रकार है जो भौतिकवाद तथा सुख के आधार पर संवैधानिक लोकतंत्र एवं अधिकारों को मान्यता देता है, और उपयोगितावाद का व्यक्तिवाद विचारक है, व्यक्तिवाद विचार है या व्यक्तिवादी विचारक। तो इसे समझ लीजिएगा, उदारवाद में क्या था, व्यक्ति कैसा होगा, इंडिविजुअल होगा, मतलब व्यक्ति व्यक्तिक होगा, जो अपने स्वयं के बारे में सोच रहा होगा,
लेकिन उपयोगिता बाद में जो भी कानून बनाए जाएंगे वो सब व्यक्तियों के बारे में, अधिकतम व्यक्तियों के बारे में सोचा जाएगा। देखिए सब व्यक्तियों के बारे में नहीं सोचा जाएगा, अधिकतम। किसी भी कानून से अगर अधिकतम व्यक्ति सहमत है तो उस कानून को सही ठहरा दिया जाएगा। अगर दो तीन लोग उसका विरोध करते हैं तो उनको गलत माना जाएगा, चाहे फिर कानून अच्छा हो या बुरा। ओके, तो हर व्यक्ति यही चाहता है, हर व्यक्ति लालची है, वो तो देखेगा कि हमारा प्रॉफिट है तो हम अच्छा करेंगे। ओके, थोड़ा आज क्लास को हम लोग जल्दी, बहुत जल्दी से करेंगे, क्योंकि यहाँ थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, तो हो सकता है लैपटॉप भी डिस्चार्ज हो जाए ना, क्लास बीच में भी बंद हो जाए। ओके चलिए, राज्य के बारे में वो कहते हैं, एक राज्य एक क्रमिक संगठन है, व्यक्ति के संगठन समूह को राज्य कहा है। व्यक्ति सुख की प्राप्ति के लिए राज्य का निर्माण करता है और राज्य व्यक्तियों को अधिकार देता है। ओके, बेंथम के अनुसार राज्य एक प्राकृतिक यंत्र है, प्राकृतिक यंत्र है, यांत्रिक है। बेंथम के विचार में ये प्राकृतिक यंत्र या यांत्रिक आपको पता है ना, ये सब चीजें हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि प्राकृतिक यांत्रिक होता है जिसे मनुष्यों द्वारा बनाया गया हो, क्रमिक संगठन जिसे बनाया गया हो। ओके, और ऑर्गेनिक जो पहले से है समाज में, जैसे प्लेटो और अरस्तु का है। ओके, समझौता द्वारा राज्य का उत्पन्न है ना, ये सारी चीजें हमने बताई, और हमने आपको जो कल लिंक भेजी थी उसमें आपको वीडियो सारे मिल जाएंगे, उसे देख लीजिएगा, और नहीं मिली होगी तो जोया ने, सॉरी कोमल ने आपको एक ग्रुप में नंबर भेजा होगा, उस पर आप मैसेज कर दीजिएगा तो आपको वो सारी लिंक मिल जाएंगे। ओके चलिए, बेंथम के विचार में व्यक्तियों को राज्य के द्वारा अधिकार प्राप्त होते हैं। यहाँ चीज याद रखिएगा, यहाँ कभी कभी पूछ लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन जाए कि आदर्श, सॉरी जो वो है उदारवादी विचारक, उनके अनुसार अधिकार व्यक्ति को प्राकृतिक अवस्था में ही प्राप्त होते हैं। ओके, प्राकृतिक अवस्था में ही प्राप्त होते हैं, लेकिन बेंथम के अनुसार अधिकार व्यक्तियों को कहां से प्राप्त होते हैं, राज्य द्वारा। ये चीज बिल्कुल याद रखिएगा। ओके, राज्य द्वारा। कोमल ने आपको ग्रुप में नंबर भेजा होगा, चैट बॉक्स में मिला था, नहीं मिला था? कोमल इन सबको नंबर भेज दीजिएगा तो ये लोग ज्वाइन कर लेंगे। ओके, बेंथम के अनुसार राज्य ठीक है यदि वह सुख प्रदान करता है। अब बेंथम कहते हैं कि राज्य बढ़िया है अगर वो सुख प्रदान करता है, लेकिन उदारवाद में हमने क्या पढ़ा था, कंपेयर करके पढ़ना है हम लोगों को, है ना। उदारवाद में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि भाई क्या होगा, राज्य सिर्फ हमारी बाह्य एवं आंतरिक सुरक्षा प्रदान करेगा। ओके, तो राज्य को वो नकारात्मक लिमिटेड मानते हैं, लेकिन ये लोग राज्य को ठीक मानते हैं कि वह सुख प्रदान करता है। ओके, अतः राज्य का आधार सुख है, राज्य को सिर्फ क्या करना है, सुख प्रदान करना है। बेंथम ने राज्य को एक उपयोगी संस्था बताया क्योंकि वह व्यक्तियों के सुखों में वृद्धि करती है। जब व्यक्तियों के सुखों में वृद्धि करती है कोई भी संस्था तो उपयोगी है। वो कहते हैं राज्य अच्छा है, क्यों अच्छा है, क्योंकि उसमें व्यक्तियों को सुख की वृद्धि है। ओके क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अधिकार के बारे में हम बात करते हैं। बेंथम ने पहली बात तो ये याद रखना कि प्राकृतिक अधिकारों का खंडन उनकी आलोचना की है, प्राकृतिक अधिकारों को बकवास एवं सबसे बड़ा बकवास कहा है। ओके, तो बेंथम ने वैधानिक अधिकारों का सिद्धांत देते हुए अधिकार राज्य द्वारा प्राप्त, वैधानिक मतलब कानूनी, लीगल। ओके, ये चीज याद रखिएगा, एक विधि द्वारा पारित होते हैं जिसमें अधिकतम व्यक्तियों का सुख देखा जाता है, वहीं से मिलता है। ओके, चीज याद रखिएगा, यहां तक क्लियर है? चलिए यहां तक बताइए, आप सभी का क्लियर है कि नहीं? चलिए ओके, वेरी गुड। ओके वेरी गुड गुड्डू, तो थोड़ा जल्दी जल्दी से हम लोगों को समझना होगा, है ना। अब संप्रभुता आते हैं, सॉवरेनिटी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। बेंथम ने संप्रभुता को हॉब्स की भांति असीमित, अध्येय एवं अविभाज्य बताया। मतलब बेंथम ने
यस यस, इस पे आप लोग मैसेज कर दीजिएगा तो उस पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। ओके, बेंथम ने शक्ति विभाजन को अस्वीकार किया, मतलब शक्ति का विकेंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, शक्ति एक केंद्र में रहना चाहिए। ओके, वैधानिक संप्रभुता, लीगल, है ना। तो यहाँ हम लोग देख लेंगे, जैसे हॉब्स का राजा निरंकुश था, राज्य निरंकुश था, ठीक है, सेम वैसा ही कहीं कहीं, मतलब यहाँ, लेकिन चीजें क्या है, मतलब वहां तक तो सीमित था, लेकिन यहाँ उन्होंने बेंथम का जो राज्य है, संप्रभुता, मतलब कुछ कानूनों का पालन कर चलेगा। ओके, तो ये चीज हम लोगों को यहाँ याद रखनी है। ओके, बेंथम ने शक्ति के विभाजन को अस्वीकार किया, बेंथम वैधानिक संप्रभु अर्थात ऑस्टिन की संप्रभुता का सिद्धांत दिया। ऑस्टिन का एक लीगल होता है, ओके, मतलब कानूनों के द्वारा शासन होगा। क्लियर, यहां तक सभी को क्लियर है ना। ओके ओके, चलो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, समाज सोसाइटी के बारे में उनके विचार देख लेते हैं। बेंथम के अनुसार समाज व्यक्तियों का योग मात्र है, अर्थात कहना क्या चाहते हैं इनको भी हम लोग थोड़ा देख लेंगे। सर ये हमारी यूनिट 2 में है क्या? यस, यूनिट 2 ही चल रहा है करिश्मा, यूनिट 2 ही चल रहा है ये। इसके बाद हम लोग यूनिट 1 पढ़ेंगे, तब चीजें आप लोगों की क्लियर होंगी, फिर यहां से ये भी चीजें क्लियर होंगी, दोनों मिक्सअप करके पढ़ेंगे। ओके, बेंथम के अनुसार समाज क्या है? समाज व्यक्तियों का योग है और उसमें समाज की प्रकृति आण्विक है। आण्विक मतलब ऑर्गेनिक, मतलब एक अणु की भांति है, समाज में व्यक्ति सारे अणु की भांति है। इसमें सिर्फ आपको इतना याद रखना है, समाज व्यक्तियों का योग मात्र है, योग से बना है। ओके, और वो कहते हैं लॉक बेंथम, लॉक हॉब्स कहते हैं समाज क्या है? समझौते का परिणाम। तो यहां व्यक्तियों का योग मात्र है। व्यक्ति का स्वभाव इनके अनुसार, बेंथम के अनुसार क्या है? ज्यादा से ज्यादा सुख प्राप्त करना चाहता है व्यक्ति। ओके, और वहां व्यक्तियों का स्वभाव कैसा है? उदारवाद में, लॉक हॉब्स में, है ना, तो कंपेयर करके पढ़िएगा। ओके, अब आता है कल्याणकारी राज्य का विचार। कल्याणकारी राज्य का विचार हमने आपको बताया था, सकारात्मक कार्य, जैसे आपके प्रेजेंट टाइम में। अच्छा चलिए बताइए, प्रेजेंट टाइम में आपके लिए कल्याणकारी काम किए जा रहे हैं सरकार द्वारा, राज्य द्वारा, या नहीं? सर सिलेबस में तो नहीं है। सिलेबस में होगा, उपयोगितावादी विचारक होंगे बैंथम, है ना। अच्छा, साक्षी के अनुसार किया जा रहा है, कोमल के भी अनुसार। चलिए बताइए क्या काम किए जा रहे हैं कल्याणकारी। यस वेरी गुड जोया, फ्री मेडिकल सर्विस, वेरी गुड। और कोई? एजुकेशन, वेरी गुड। गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वेरी गुड गुड्डू। राशन कार्ड, सरकारी स्कूल, वेरी गुड कोमल। फ्री बॉर्डर सिक्योरिटी, वेरी गुड। तो ये सारी चीजें कल्याणकारी राज्य की हैं। और जब उदारवाद में पढ़ा था हमने, तो उदारवाद में नहीं था, है ना, हॉब्स लॉ के अनुसार नहीं था। ओके, कुछ नहीं हो रहे हैं सर, शिक्षा का तो बहुत बुरा। देखो करिश्मा, कुछ नहीं हो रहे हैं ऐसे नहीं कह सकते, है ना। शिक्षा का बुरा हाल है, वो राज्य ने तो अपने अनुसार सारी सुविधाएं दी हैं, लेकिन वहां कहीं ना कहीं राज्य ने अपना काम किया है। अब वहां जो टीचर है वो अपना काम नहीं कर रहे हैं ना, ये चीज देखना चाहिए। ओके, लेकिन बहरहाल नहीं हो रहा है वो बात ठीक है आपकी, लेकिन राज्य ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अब कभी कभी कहा जाता है, एक डेवलपमेंट में राज्य अकेला नहीं कर सकता है,
एक व्यक्ति के अनुसार ही राज्य वो विकास नहीं हो सकता है, सबकी भूमिका रहती है और सबकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अगर आपके परिवार या घर में क्या हो, आपके पिताजी की मेहनत करने से सब कुछ हो जाएगा? नहीं हो। जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी एक ऊंचाइयों को छू सकते हैं, राइट। तो सेम राज्य ऐसे ही करता है ना। अब ये तो हम कह नहीं सकते, ठीक है करिश्मा। चलिए ये बहुत बड़ा है। देखिए करिश्मा, यहाँ सिर्फ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट क्या कर रही क्या नहीं कर रही, इस पे हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, ओके। ठीक, हम लोग सिर्फ बैंथम के विचारों को पढ़ रहे हैं, उसे आप पढ़िएगा। समाज में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा बता नहीं सकते। NTA का भैया क्वेश्चन ही गलत आ रहे हैं, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो ये चीजें हैं, ठीक। चलिए, बैंथम के विचारों में पहली बार राज्य के सकारात्मक कार्यों का वर्णन हुआ। सकारात्मक कार्य मतलब राज्य उन कार्यों को करेगा जिसमें लोगों को अधिक से अधिक सुख प्राप्त हो, ओके। याद रखिएगा, राज्य सामाजिक विधायन द्वारा कल्याणकारी कार्य करेगा। सामाजिक विधायन मतलब लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के द्वारा कल्याणकारी काम करेगा। बैंथम ने राज्य के सकारात्मक कार्यों का उल्लेख तो किया है, परंतु उसने राज्य के आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप का समर्थन नहीं किया है। व्यक्तियों को अधिक से अधिक सुख प्राप्त करने के वो कदम तो उठाए हैं राज्य ने, लेकिन आर्थिक जो गतिविधियां हैं, है ना, जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज हैं, उनमें वो किसी प्रकार का इंटरवेंशन नहीं करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं ये चीजें। देखिए ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद कर लीजिएगा और इनको अपने उदाहरण में ढाल लीजिएगा, ओके। इसलिए इनकी कल्याणकारी राज्य की संकल्पना आंशिक एवं अधूरी है, क्योंकि उसने आर्थिक रूप से हस्तक्षेपवादी राज्य का समर्थन किया। अब यहाँ एक चीज समझिएगा, इनका कल्याणकारी राज्य तो है लेकिन कैसा है, अधूरा है। कल्याणकारी राज्य पूरा कब होते हैं, जब होते हैं जब आर्थिक रूप से हस्तक्षेप भी करें। क्यों करें? क्योंकि समाज में एक जो बीच में दरार असमानता विषमता आती है उसको पाटने का काम करता है कल्याणकारी राज्य, जिसमें क्या होता है, जो पैसा अधिक कमाते हैं तो उनसे क्या होता है, उनसे कुछ टैक्स लेके वो समाज में लगाते हैं। लेकिन बैंथम के राज्य में ऐसा नहीं है, क्योंकि आर्थिक रूप से आर्थिक गतिविधियों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं है, तो इस वजह से टैक्स कहाँ से लेंगे, कहीं से लेंगे, तो राज्य में विषमताएं रहेंगी, ओके। तो उनका राज्य पूर्ण रूप से कल्याणकारी नहीं है। अगर बैंथम का क्वेश्चन ऐसे आता है कि बैंथम का राज्य कल्याणकारी राज्य है, तो नहीं है, है ना। और अगला पॉइंट आता है बैंथम का राज्य पूर्ण रूप से कल्याणकारी नहीं है, है ना, तो सही है, पूर्ण रूप से कल्याणकारी नहीं, ओके। चलो, सार्वभौमिक अहंगवाद यूनिवर्सल इकोइज्म, तो सेवाइन के अनुसार बैंथम का विचार सार्वभौमिक अहंगवाद का प्रतीक है। इसके अनुसार व्यक्तियों का योग ही पूरा विश्व, ये कहते हैं जो यूनिवर्सल सार्वभौमिक विश्व है, सिर्फ व्यक्तियों का पूरा योग है, व्यक्तियों जुड़े हैं, व्यक्ति वो है, ओके। तो समाज और राज्य क्रमिक संस्थाएं, इसको भी देख लिए। नैतिकता और राजनीति पे आते हैं, मोरलिटी एंड पॉलिटिक्स। मैक्सी के अनुसार, मैक्सी एक थिंकर है, मैक्सी ने क्या कहा, सेवाइन ने क्या कहा बैंथम के बारे में, ये सारी चीजें आपको याद करनी है, ओके। बैंथम ने राज्य और नैतिकता के मध्य वैसा ही पृथककरण किया जैसा मैकियावेली ने। मैकियावेली को हमने जब आपको पढ़ाया था, तो मैकियावेली ने नैतिकता में क्या पृथककरण किया था, चलिए बताइए सभी लोग। मैकियावेली के अनुसार नैतिकता मॉरेलिटी क्या थी राजा के लिए, अगर मैकियावेली के बारे में आपको पता है तो बैंथम के बारे में भी आपको समझ में आ जाएगा, ओके। Yes. धर्म और राजनीति को अलग होना चाहिए, लेकिन राजा को नैतिकता के रूप में, राजा की नैतिकता अलग होगी और लोगों की नैतिकता अलग होगी, ओके। राजा की नैतिकता के रूप में क्या होगा, राजा लोगों के सामने क्या करेगा, अपने लक्ष्यों को पाने के लिए अपनी जान नहीं देगा, लेकिन जनता अपने लक्ष्यों को पाने के लिए अपनी जान दे सकती है ना, यही थी नैतिकता। ये चीज, धर्म और राजनीति अलग काम करेगी, वेरी गुड, है ना, ये सारी चीजें
ज्यादा। तो यहाँ से याद रख लीजिएगा कि मैकियावेली ने जिस प्रकार नैतिकता और राजनीति के मध्य अंतर किया, सेम वैसा ही बेंथम ने किया है। इसलिए बेंथम के अमूलवादी दार्शनिक कहा जाता है। अब यहाँ आपको एक चीज आपके लिए होमवर्क है जो आपको करके आना है, क्या है, आप लोग नेट पर सर्च करेंगे अमूलवादी दार्शनिक क्या होता है, ओके, तो ये चीज आपको वहां से क्लियर होगी। और नहीं मिलता है अगर आपको, तो हम कल इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि आप लोगों को कई दिन से होमवर्क नहीं मिला है, राइट। तो ये आपका HW है। अब आप कहोगे कि सर कहाँ से फंसा लिया ना, चलिए, क्योंकि उसने ईसाई नैतिकता की मान्यताओं को पूर्ण अस्वीकार कर दिया। ईसाई नैतिकता जो हमने बताया था, जो भी प्राकृतिक समझौता है, सब अधिकारों का खंडन किया है, स्टार्टिंग में हमने आपको बताया, सॉरी, धर्म को चर्च को धर्म से, अच्छा ओके, कोई बात नहीं, इट्स ओके करिश्मा, चलिए। शासन प्रणाली कैसी होगी, तो बेंथम ने विलियम ब्लैक स्टोन की उनकी रचना द कम्युनिटेरियन ऑन द लॉ ऑफ इंग्लैंड 1771 की आलोचना की है, और उसमें लोकतंत्र की उपयुक्त शासन प्रणाली बताया, लोकतंत्र को, ओके। सेबाइन थिंकर है जो, या सेबाइन थिंकर है, ओके, तो सेबाइन ने क्या कहा बेंथम के बारे में, है ना, ये चीजें पूछ ली जाती है कि सेबाइन के अनुसार बेंथम का विचार सार्वभौमिक अहिंवाद है ना, मैक्सी ये विचारक है ना, ये नाम भाई इंडियन नहीं है, ठीक है, चल। एक बैपर है, ये भी थिंकर है। बैपर ने बेंथम के लोकतंत्र को व्यक्ति स्वभाव के आधार पर स्वीकार किया, मतलब व्यक्ति का जैसा स्वभाव होगा उस प्रकार उन्होंने लोकतंत्र को स्वीकार किया। लोकतंत्र में अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख प्राप्त होता है जनता में अधिकतम, लेकिन उसमें लोकतंत्र में क्या है, निम्नतम व्यक्तियों को भी सारे अवसर दिए जाते हैं, स्वतंत्रता समानता, ओके। बेंथम ने इतिहास संस्कृति एवं सामाजिक विकास सभी मान्यताओं को उपेक्षित कर दिया, इसीलिए बेंथम ने उसे अमूर्तवादी कहा। अब यहां से क्वेश्चन बन जाता है, बेंथम को किसने अमूर्तवादी कहा और किसने अमूलवादी कहा, ये दोनों चीजें याद रखना। बेपर ने अमूर्तवादी कहा और मैकियावेली ने अमूलवादी दार्शनिक कहा, सॉरी सेबाइन ने अमूलवादी दार्शनिक कहा, ओके, ये चीजें याद रखना है आपको, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। अगला है, मैकपर्सन ने बेंथम के लोकतंत्र को लोकतंत्र का संरचनात्मक मॉडल कहा, ये चीज याद रखिए। यहाँ से अब कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया, ये लाइन एक लाइन लिख लीजिएगा बना के, नोट्स आप देखिएगा उनमें से लाइन बना लीजिएगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ओके। अगला आता है समाज सुधारक के रूप में योगदान, वर्तमान युग में होने वाली सभी सुधारों पर बेंथम का प्रभाव था, जैसे जेल सुधार, शिक्षा सुधार, इन सब के बारे में उन्होंने अपने विचार दिए, ओके। बेंथम ने थ्योरी ऑफ लेजिस्लेशन नामक पुस्तक में उन्होंने कहा, ये नाम जो पुस्तक लिखी उसमें उन्होंने सुधार के बारे में चर्चा की। बेंथम मूलतः सुधारवादी भी विचारक है, तो अब यहाँ से फिर से आपको कंफ्यूज, अमूलवादी भी है, अमूर्त भी कहा गया है, सुधारवादी भी है, उपयोगितावादी है, अर्थात है कितने, तो यही चीजें यहाँ से आपको कंफ्यूजन क्रिएट करती है, ये चीजें हम लोगों को पढ़नी और समझनी है, ओके, ये चीज याद रखिए। वे दार्शनिक नहीं है बल्कि वो समाज सुधारकों का एक दार्शनिक है, ठीक है, समाज सुधारकों के एक दार्शनिक, जितने भी समाज सुधारक थे उनके वो फिलोसफर है। बेंथम के विचारों का मूल केंद्र सुधार है, शिक्षा के माध्यम से सुधार। बेंथम ने जेल सुधार की योजना को पैनोप्टिकन कहा, ओके, पैनोप्टिकन कहा, इसे भी याद रख लीजिए। जेल सुधार से कौन संबंधित है, बेंथम है, उसे क्या कहा गया, ये भी पूछ सकते हैं। बेंथम ने एक व्यक्ति एक मत का प्रतिपादन किया कि एक व्यक्ति होगा एक ही मत डालेगा, एक वोट कर सकता है, ओके। इसीलिए अब आते हैं कि भाई कार्लाइल एक थिंकर है, इनका नाम रख लीजिए, इन्होंने बेंथम के दर्शन अर्थात बेंथम की फिलोसफी को क्या कहा, पिग फिलोसफी, मतलब सुअर का दर्शन, जैसे सुअर चारों तरफ घूमता रहता है, सेम वैसा ही इनके बारे में कहा कर्ल काइल, कि भाई इनका कोई भरोसा नहीं है,
ये यहाँ भी जा रहे हैं वहां भी जा रहे हैं अर्थात है क्या, इसीलिए उन्होंने इनकी इनके दर्शन को पिग फिलोसफी कहा, सुअर का दर्शन। ओके याद रखिए, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है किस थिंकर ने बेंथम के दर्शन को सुअर का दर्शन कहा है, तो कर्ल काइल ने इनके दर्शन को सुअर का दर्शन कहा है। ओके बेंथम ने अपने विचारों में कल्याणकारी राज्य का आधार भी रखा है जो लेकिन पूर्ण रूप से कल्याणकारी नहीं था। ओके यहां तक क्लियर है सभी को, करिश्मा जोया पूजा गुड्डू पंकज कोमल साबा हुसैन गुल्लाज भाई कई सारे स्टूडेंट हैं, सबका तो नाम नहीं ले सकते हैं, तो कोई भी बुरा ना माने, है ना। चल ओके ओके, उन्होंने राज्य के नकारात्मक कार्यों की बजाय सकारात्मक कार्य पॉजिटिव समाज सुधारक माना जाता है। उन्हें ब्लैक स्टोन के विचारों का खंडन भी किया, एक थिंकर है ब्लैक स्टोन, उनके विचारों का उन्होंने खंडन किया। विधि या समाज सुधारकों का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां बेंथम का प्रभाव ना पड़ा, है ना, क्योंकि सुधारक भी थे सब चीज थी। सार्वभौमिक मताधिकार का उन्होंने समर्थन किया है, मताधिकार शिक्षित व्यक्तियों को ही प्राप्त होगा महिलाओं को नहीं। अब यहाँ चीज एक चीज याद नोट कर लीजिएगा, जब हम लोग मिल को पढ़ेंगे, मिल ने भी मत के बारे में कहा है, लेकिन मिल को भी हम लोग देखेंगे तो बहुत अच्छे थिंकर है वो भी। इन्होंने मताधिकार वोट देने का अधिकार तो दिया है, लेकिन वही लोग देंगे जो शिक्षित होंगे। अब यहाँ ये चीज समझने लायक है आपको, अब आपने देखा होगा कि मिलने सॉरी बेंथम ने तो कहा है कि अधिकतम व्यक्ति को अधिकतम सुख। अब अधिकतम व्यक्तियों को हम चुनेंगे कैसे, अधिकतम व्यक्ति वो होंगे जो शिक्षित होंगे। ओके जो शिक्षित होंगे उन्हीं के द्वारा जो कानून बनाए जाएंगे, जिनका जिन कानूनों में उनका सुख होगा तो मान लिया जाएगा, जो अशिक्षित हैं या जो दबे कुचले हैं उनका भी इसी में सुख निहित है। ओके क्योंकि जो शिक्षित व्यक्ति होता है माना जाता है कि वो अच्छे से सोच लेता है, वो सबके बारे में सोचेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जितना ज्यादा शिक्षित व्यक्ति होता है उतना ज्यादा स्वार्थी भी हो जाता है, तो इसलिए उन्होंने कहा है कि शिक्षित व्यक्ति के अनुसार ही कानून बनेंगे, और जिन कानूनों में उनका सुख है उसी प्रकार हम मान लें कि जो अन्य वर्ग के या अल्पसंख्यक बचे हुए हैं लोग हैं तो वो भी क्या है उन कानूनों में सुख प्राप्त करेंगे। ओके और इसमें इन्होंने महिलाओं को हाँ हाँ अभिजात वर्ग कह सकते हैं, लेकिन अभिजात वर्ग यहाँ आएगा नहीं। ओके करिश्मा सिर्फ यहाँ अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख आएगा। ओके और यहाँ याद रखेंगे वोट देने का अधिकार उन्होंने महिलाओं को नहीं दिया है। ओके ये चीज याद रखिए। गुप्त मतदान का समर्थन किया है, संसद के कार्यकाल को एक वर्ष तक सीमित करने का पक्षधर है, तथा लॉर्ड सभा एवं सम्राटों के शासन के विरोधी है। वो कहते हैं शासन सिर्फ वही करेगा जिसको लगाव ना हो, मतलब जो कहता है कि हमें लालच रूप में नहीं, हम समाज से भी है, वो शासन करेगा, कोई राजा या सम्राट शासन नहीं करेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जिसे लगे कि हमारा सपना है शासन करना तो उस व्यक्ति को करने दिया जाएगा, तो वो अपना कार्य जो है पूरी ईमानदारी से करेगा, है ना। कहा जाता है व्यक्ति को अगर अपने सपने के पीछे भागना हो तो अपनी एकदम क्या करेगा, अपनी सच्चाई अपनी ईमानदारी और अपनी पूरी निष्ठा के पूर्वक काम करेगा, है ना। इसी प्रकार उन्होंने कहा जो भी शासक बने जो भी विधायक हो वो कैसा होना चाहिए, जिसे उस कार्य में मन लगता हो, ये नहीं कि कोई भी राजा बना दे तो वो तो लालची हो, सत्ता प्राप्त करने वाला नहीं सत्ता पर काम करने वाला होना चाहिए। ओके तो यहां तक अपना आज का जो लेक्चर था। ओके यहाँ तक हम लोगों ने बेंथम के बारे में पढ़ा है, और बेंथम के बारे में हम लोग संडे को जितने भी अभी थिंकर हम लोग पढ़ चुके हैं उन सब के बारे में संडे को हम लोग टेस्ट लेंगे और वहाँ समझेंगे। तो यहाँ तक सभी लोग पढ़िएगा, और अब यहाँ तक अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट हो तो बताइए। मोस्ट वेलकम कोमल। जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, जे एस मिल। ओके 20 मिनट में हो सकता है समाप्त कर लें, क्योंकि दोनों को हम लोग साथ में पढ़ेंगे तो चीजें जल्दी से समझ में आ जाएंगी। ओके तो यहां तक किसी का कोई डाउट तो नहीं है, एक बार थम्स अप दीजिए और आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। मोस्ट वेलकम साक्षी। अभी क्लास से जाना नहीं है किसी को भी, क्लास में ही रहना है ना। सर मैसेज टेक्स्ट करना है, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके
तो वहां से हम आपको ऐड कर देंगे। चलिए तो स्टार्ट करें। चिंकी टेस्ट हो चुका है, हम लोगों ने शायद संडे को नहीं मंडे एंड ट्यूसडे को लिया था। यूट्यूब पर कुछ क्वेश्चंस किए थे हमने प्लेटो, अरस्तु, कन्फ्यूशियस एवं मैकियावेली से रिलेटेड। ओके, तो आपने क्लास ज्वाइन की नहीं, क्लास रेगुलर है ना, कोई भी संडे को भी कोई भी छुट्टी नहीं है। ओके, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा रिवीजन के भी लिए टाइम निकालना पड़ेगा ना। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल, जेएस मिल के बारे में। जेएस मिल भी एक उपयोगितावादी थिंकर है ना, और उपयोगितावाद में इन्होंने संशोधन कर दिया था, ये अंतिम उपयोगितावादी है। ओके सर, मेरे पास लिंक नहीं आया। जो नंबर था उस पे मैसेज कर देना, उस पे मिल जाएगा। ओके चिंकी, चल अब स्टार्ट करते हैं हम लोग जॉन स्टुअर्ट मिल को। जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में ये सारी चीजें पढ़ लेंगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद हम लोग इनके मेन मेन पॉइंट पर चलेंगे, और अभी क्लास के तुरंत बाद आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। ओके चलिए, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ लीजिएगा, और ये इनकी इम्पोर्टेंट बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, पढ़ लीजिएगा। पहले व्यक्तिवादी थिंकर है शायद कोमल, पहले तो व्यक्तिवादी थिंकर बेंथम थे, बेंथम थे। ओके अभी तो हमने बेंथम को पढ़ा है, शायद नहीं चलेगा कोमल, ठीक है, एकदम क्लियर कट होना चाहिए। अब इनकी इंपोर्टेंस देख लेते हैं, इंडिविजुअल लिबर्टी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता में। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, मेल यस यस साक्षी। चलिए, यह स्वतंत्रता है जो व्यक्ति को अपनी पसंद बनाने और उनके मानसिक एवं नैतिक संकायों जैसे सुधार करने के लिए अनुदान देती है। और अगला पॉइंट है धारणा, निर्णय, मानसिक गतिविधि, नैतिक वरीयता, तर्क, निर्णय लेना, आत्मनियंत्रण, इन सब के बारे में वो स्वतंत्रता में स्वयं को व्यक्ति को एक सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में बात करती है ना। स्वतंत्रता मनुष्य की नैतिक एवं मानसिक शक्तियों में सुधार करती है, विशिष्ट स्वतंत्रताओं के बारे में, विचार विशिष्ट स्वतंत्रताओं का प्रयोग करती है। ये भी स्वतंत्रता के बारे में बात करते हैं कि व्यक्ति स्वतंत्र कैसे रहे, है ना। तो चार स्वतंत्रताओं के बारे में बात करते हैं, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कार्रवाई की स्वतंत्रता, एसोसिएशन ग्रुप की स्वतंत्रता एवं कार्य करने की स्वतंत्रता। ओके, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उनका बचाव सबसे शक्तिशाली था, क्योंकि व्यक्ति को, अब यहां चीज देखिएगा, बेंथम ने क्या कहा था सर, प्लीज रिपीट। इस चीज में ये समझ लीजिएगा, जो है जेएस मिल ने विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बचाव किया है, कि व्यक्ति को, एक व्यक्ति होगा उसे विचार एवं अभिव्यक्ति मतलब अपने विचारों को प्रेजेंट करने के लिए स्वतंत्रता होनी चाहिए। जब हम बेंथम को पढ़ रहे थे, बेंथम ने क्या कहा था, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, जिसमें क्या हो रहा था, जो छोटे निम्न वर्ग के व्यक्ति या अल्पसंख्यक रह गए थे उनके बारे में हम लोग नहीं सुन रहे थे बेंथम के अनुसार। ओके याद रखिए। अब जेएस मिल जब आए तो जेएस मिल ने कहा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता उसमें है जिसमें व्यक्ति की अभिव्यक्ति एवं विचार की स्वतंत्रता होनी चाहिए, थॉट एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए उसे। ओके, जिसमें क्या होगा कि बेंथम ने जब कहा अधिकतम व्यक्ति, तो जेएस मिल ने कहा ठीक है अधिकतम व्यक्ति है, लेकिन जो कुछ व्यक्ति हैं निम्न वर्ग में हैं जिनकी बात हम लोग सुन नहीं रहे, लेकिन उनको हमको यह तो अधिकार देना चाहिए कि उनके विचार क्या है, उनको भी तो सुनना चाहिए। हो सकता है कभी कभी क्या होता है कि जो अधिकतम लोग निर्णय लें तो वो स्वार्थ के अनुसार लेते हैं, और एक व्यक्ति जो देखे वो सच्चाई के अनुसार देख रहा हो तो उसकी भी तो बात मानी जाएगी, राइट। जैसे कभी कभी क्या होता है, फैमिली में डिसीजन सभी लोग लेते हैं, और कभी कभी बच्चों के डिसीजन सही हो जाते हैं, है ना। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, फैमिली का जो मुखिया होता है वो डिसीजन अकेला ले रहा हो और फैमिली के सारे लोग डिसीजन ले रहे हो सकता है फैमिली के मुखिया का जो डिसीजन लिया गया वो सही हो जाए, क्योंकि वो अनुभवी है या उससे ज्यादा एक्सपीरियंस हो, तो उनकी भी बात सुननी चाहिए मिल के अनुसार। ओके यस साक्षी, बेंथम ने अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख के बारे में बात की है, जिसमें क्या है,
छोट कुछ लोग हैं उनके बारे में नहीं कहा है कि उन्हें बोलने का भी अधिकार नहीं है, और मिल कहते हैं कि भाई व्यक्तियों को किसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अवश्य होनी चाहिए। ओके, अगला पॉइंट है, यदि सभी मानव जाति एक को छोड़कर एक राय थे तो मानव जाति उस व्यक्ति को चुप कराने में अधिक न्याय संगत नहीं होंगे, यदि उसके पास शक्ति थी तो वह मानव जाति को चुप कराने में न्याय संगत होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि जब एक व्यक्ति है, जैसे मान के चलिएगा समाज में दो वर्ग है, ठीक है, हमने कहा सबको अपने विचार प्रेजेंट करने की स्वतंत्रता, यस वेरी गुड करिश्मा, और मिल में ऐसा नहीं था। मान के चलिएगा एक समाज है, ठीक है, समाज में 100 लोग हैं, 90 लोगों ने डिसीजन ले लिया कि हमें चोरी करना है और 10 लोगों ने कहा चोरी करना पाप है। तो अब बेंथम के अनुसार क्या हुआ कि 90 लोगों में लोगों को जो काम करने में अच्छा लगे, जिससे स्वतंत्रता प्राप्त हो, सुख प्राप्त हो, वही करेंगे। तो 90 लोगों को सुख की प्राप्ति कब हो रही, जब वो चोरी करें, तो ये गलत काम है ना। और 10 लोग कह रहे हैं कि हमें चोरी नहीं करना चाहिए, तो बेंथम के अनुसार इनके द्वारा कही गई बात सत्य होगी कि इनको सुख प्राप्त है ना, तो इसलिए होना चाहिए। अब जब ये लोग कह रहे हैं तो अपने स्वार्थ को देख के, सभी लोग एक ग्रुप में हो गए तभी स्वार्थ कर रहे हैं, तो इस प्रकार बेंथम ने कहा, सॉरी जेएस मिल ने कहा कि अगर देखा जाए तो न्याय भी नहीं हो पाएगा। ऐसे कैसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब 90 लोग स्वार्थ में सोचने लगेंगे या कह देंगे कि इसको फांसी दे दी जाए, है ना, हो सकता है उसे फांसी दे रहे हैं तो 90 लोगों का उसको पता चल रहा है, 90 लोगों के बारे में उसे गुप्त सूचना प्राप्त है कि ये लोग देशद्रोही है और इसलिए हमारा समर्थन कर रहे हैं कि हमें फांसी दे दें, और 10 लोग उसका समर्थन कर रहे हैं कि उसे फांसी ना दी जाए, क्योंकि 10 लोग उसे जानते हैं कि अच्छा व्यक्ति है। कहा जाता है सत्य से कम ही लोग परिचित होते हैं, है ना, तो इसलिए जेएस मिल ने ये कहा है कि जो कुछ लोग हैं उनके भी हमें विचार की अभिव्यक्ति को समय या स्वतंत्रता देनी चाहिए, हो सकता है वो भी कुछ अच्छा कहें, है ना। तो हर बार ये नहीं होता है कि जो ज्यादा लोग डिसीजन लें वो सही है। ओके, बेंथम के अनुसार 90 लोग सही हैं और मिल के अनुसार 10% सही है। यस, मतलब कहने का ये है, जैसे जब मान के चलिए एक समाज है, समाज में स्वार्थी लोग भी होते हैं। अब बेंथम कह रहे हैं कि जो अधिकतम लोग डिसीजन लेंगे, जिसमें अधिकतम लोगों का सुख होगा, वही अच्छा होगा। तो आप एक चीज याद रखिएगा, जब अधिकतम लोग एक राय पकड़ लेंगे कि चोरी करना अच्छी बात है, उसमें हमें सुख मिल रहा है तो हम चोरी करेंगे, तो वो न्याय थोड़ी ना होगा, है ना। ये चीज याद रखिए, यहाँ क्लियर है सबको। करिश्मा, जोया, किसी का डाउट, साक्षी, कोमल, गुड्डू, पंकज, यहाँ किसी का डाउट तो नहीं है कोई भी? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के पक्ष में वो कहते हैं, स्वतंत्रता क्या है, कोई सत्य के ज्ञान का पूर्ण दावा नहीं कर सकता है, देखिए, और अतः विचार विमर्श से ही सत्य का ज्ञान हो सकता है। एक व्यक्ति यदि समूची सभ्यता के खिलाफ बोले तो उसे चुप नहीं कराया जा सकता है। ओके, अब रिपीट कर दो सर। करिश्मा देखिए, ये चीज आपको समझ में आ जाएगी, इसे लाइन को पढ़िएगा थोड़ा। कोई सत्य के प्रति पूर्ण दावा नहीं कर सकता है, यदि विचार विमर्श किया जाए तो सत्य को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। एक व्यक्ति यदि समूची सभ्यता के खिलाफ है तो उसे चुप नहीं कराया जा सकता है। क्यों नहीं कराया जा सकता है? क्योंकि हो सकता है वो सभ्यता के खिलाफ हो, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर अगर खिलाफ है तो उसके अंदर या फिर अच्छा विचार आया होगा तभी वो खिलाफ है। उसे दिख रहा होगा कि इसमें क्या है त्रुटि, उसे या क्या इसमें वो है, क्या एरर है इसमें, तो वो उसको दिख रही होगी, है ना। अब हम अगर उसको चुप करा देंगे तो हम कभी भी त्रुटि जान नहीं पाएंगे। जैसे मान के चलिएगा जब परंपराएं थी, है ना, जो ट्रेडिशन वे आ रहा था, हम लोग बदल नहीं पा रहे थे, तो सभी लोग क्या थे कि ट्रेडिशन वे में ही रहना चाहिए। और जब जैसे मान के चलिएगा एक बिल्ली ने रास्ता काटा और समाज के सभी लोग हैं कि भाई हम, मैं तो नहीं निकलूंगा भाई, ये समाज में माना गया है कि बिल्ली जब रास्ता काटते तो अशुभ होता है। जब एक व्यक्ति इस सभ्यता के खिलाफ आया कि ऐसा कुछ नहीं होता है भाई, करके तो देखो, एक बार काट के तो देखो रास्ता क्या होता है, तो कुछ भी नहीं हुआ।
तो उसने जो कहा कि भाई वो सभ्यता के खिलाफ आया, तो उसने देखा कि कहीं कुछ नहीं, राइट, तो वो सही था। अब मान के चलिए जैसे सभी लोग कह रहे हैं कि मतलब रास्ता खराब होता है, अगर कोई बीमार हो तब तब भी नहीं काटोगे रास्ता, और जल्दी में जाना हो तब तब आपको कुछ नहीं दिखेगा, ना किसी प्रकार का प्रतिबंध दिखेगा, ना किसी प्रकार की परंपरा दिखेगी, ना कुछ दिखेगा, है ना। तो जब एक व्यक्ति के अंदर विचार आता है वो सभ्यता के खिलाफ आता है, तो कहीं ना कहीं उसे चुप नहीं कराया जाना चाहिए, उसके भी विचारों को हमें जानना चाहिए। विचार विमर्श से ही एक डिसीजन लिया जाता है। जैसे संसद में जब कोई भी कानून बनता है ना, अब इस चीज को ऐसे समझिएगा रियल लाइफ में, या मान के चलिएगा एक राजनीति की भाषा में ऐसे समझिएगा, जब संसद में किसी भी कानून पर या किसी भी बिल पर चर्चा होती है, तो उस कानून को ऐसे तो हम लोग मान नहीं लेंगे कि बीजेपी है, बीजेपी की ज्यादा सीटें हैं तो बीजेपी ने कहा ये कानून सही है। जैसे फार्मर बिल आया था तो बीजेपी ने कहा ये कानून सही है, इसमें क्या हुआ, बीजेपी अधिकतम में थी, तो बीजेपी अधिकतम में है, अधिकतम लोगों का सुख है उसमें, तो उसे तो मान नहीं लिया जाएगा। जब विपक्ष कहेगा, विपक्ष इसके किसमें होगा, खिलाफ होगा, कि विपक्ष कहेगा इसमें क्या क्या सच्चाइयां हैं बताइए आप हमें, तब यहाँ तर्क वितर्क होगा, तब हम लोग सच्चाई पर पहुंचेंगे। अगर हम लोग यहाँ विपक्ष को बंद चौप चुप करा देंगे, मौन करा देंगे, तो इसमें हो सकता है इन अधिकतम लोगों ने सोच लिया हो अपना स्वार्थ, सोचा होगा, तभी तो ये लोग जल्दी कर रहे हैं ना। तो इसलिए वो मिल कहते हैं कि अब यहाँ क्या है कि जो न्यूनतम व्यक्ति हैं उनके भी हमको विचार को जानने की आवश्यकता होगी, तभी स्वतंत्रता होगी। ओके, आ गया समझ में? सर जब तक आवाज नहीं उठाए तब तक उसका सच सामने नहीं आए। यस, ओके, चलिए ये चीज याद रखिएगा। अगला है स्वतंत्रता पर प्रतिबंध की शर्तें भी लगाई हैं। स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है जब आप दूसरों की समान स्वतंत्रता का हनन करें, अर्थात नागरिक कर्तव्य की भूमिका से होने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, जैसे कार पर तैनाती सिपाही, देश पर बाह्य आक्रमण के समय स्वतंत्रता प्रतिबंध। अब आपकी जो स्वतंत्रता है कि आप एक के खिलाफ बोलेंगे, है ना, अब आपको कब चुप कराया जा सकता है, जैसे मान के चलिए स्वतंत्रता में देखिए आम नागरिक के अधिकार एवं उनके कर्तव्य अलग अलग होते हैं, आम नागरिक के अलग होते हैं और एक सैनिक के अलग होते हैं, जो सिपाही होता है उसके अलग होते हैं, कार पर तैनाती सिपाही, है ना, जो आर्मी मिलिट्री होती है उसके क्या होते हैं, उसकी फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटी अलग होती है, कि वो सरकार के खिलाफ नहीं बोलेगा और आम जनता सरकार के खिलाफ बोल सकती है। तो उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता पर प्रतिबंध कब लगाए जाएंगे मिल के अनुसार, जब व्यक्ति सैनिक होगा और जब राज्य में बाहरी आक्रमण हुआ होगा, जब आम जनता होगी, आम जनता कहेगी हमें बाहर टहलने जाना है और बाहर पता चला 144 धारा लगी हुई है और आप कह रहे हैं हमें बाहर टहलने जाना, तो आपकी वहां स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया जाए कि आप वहां नहीं टह सकते। ओके, ओके, याद रखिएगा। चलिए, स्वतंत्रता का महत्व क्या है, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है, आदर्शवादी विचारक हमबोल से प्रतिभा प्रभावित है। तो यहां एक चीज याद रखिएगा, मिल किस विचारक से, किस आदर्शवादी विचारक से प्रभावित थे, हम्बोल्ट नामक विचारक था, उससे बहुत प्रभावित थे। ओके, इसलिए उन्होंने कहा है स्वतंत्रता बहुत आवश्यक है, व्यक्ति को स्वतंत्र होना चाहिए, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। कार्य की स्वतंत्रता, मिल ने व्यक्ति के कार्य को स्वपरक एवं अन्यपरक से विभाजित किया। स्वपरक कार्य वो होते हैं स्वयं के लिए होते हैं, है ना, जिस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है, जो केवल व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करें। ऐसे कार्य स्वपरक होते हैं जो व्यक्ति के जीवन को ही प्रभावित करें, उन कार्यों पर न राज्य न किसी भी प्रकार का व्यक्ति कोई भी प्रतिबंध नहीं लगा सकता। और अन्य परक कार्य क्या होते हैं, अदर इंटरेस्ट कार्य क्या होते हैं, ऐसे कार्य जिनको करने से दूसरे व्यक्ति के जीवन पर कोई भी प्रभाव पड़ता है, तो उन कार्यों को राज्य प्रतिबंध लगा सकता है या उन कार्यों को आपको मना कर सकता है। ओके, याद रखिए, तो सेल्फ इंटरेस्ट एंड अदर इंटरेस्ट, इन दोनों के बारे में आप लोग जान लीजिए। ओके,
जो है पहले क्लास कर लें, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। ओके, पहले टॉपिक खत्म कर लें हम, इसीलिए 2-3 मिनट आपको पहले क्लास के और बाद में देते हैं बात करने के लिए, लेकिन थोड़ा पहले क्लास पर ध्यान दें। ओके, चल, मैं देख रहा हूँ कि क्लास में आप लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा टाइम दो उसके बाद। अब आती है सॉरी, आप लोगों के विषय सकारात्मक हो गई, सकारात्मक होनी चाहिए, ठीक है, क्या सकारात्मक, पॉजिटिव लिबर्टी। ओके, मिल के अनुसार अपनी इच्छा अनुसार कार्य करना स्वतंत्रता है, परंतु कई बार अन्य लोग उस इच्छा को हमसे ज्यादा जानते हैं। मिलने, अब ये चीज देख लीजिएगा, यहां समझ लीजिएगा, वो कहते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है। सकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार काम करना चाहिए, जिसमें क्या होता है, जैसे अधिकतम लोग कभी कभी सच्चाई जानते हैं, जैसे उन्होंने एक उदाहरण दिया, मिल भी नेगेटिव लिबर्टी से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो अंत में क्या हुआ, सकारात्मक स्वतंत्रता की ओर बढ़ चले। ठीक है, मिल ने पुल का उदाहरण देते हुए कहा, यदि पुल टूटा हुआ है तो अन्य व्यक्ति हमें पुल पर जाने से रोक सकते हैं। यहाँ पर आकर मिल ने अपनी अनजाने में प्रतिबंध लगा दिया और सकारात्मक स्वतंत्रता की ओर बढ़ चले। सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है, ये आपको पता होनी चाहिए। नेगेटिव लिबर्टी एंड पॉजिटिव लिबर्टी। नेगेटिव लिबर्टी क्या होती है, जिसमें राज्य किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाए, आपके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध का अभाव। ओके, मतलब राज्य लिमिटेड रहेगा, राज्य आप पर किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता है। और पॉजिटिव लिबर्टी में क्या होता है, राज्य आप पर कुछ प्रतिबंध लगा देता है, जैसे मान के चलिए अब राज्य में अधिकतम लोग हैं, सैनिक हैं उनके, और उन्हें पता है कि भाई आगे सीमा के बाहर दुश्मन खड़े हुए हैं, और आप कह रहे हैं हमें जंगल में घूमने का मन कर रहा है, सावन आया है, हमें झूला झूलने का मन कर रहा है, तो आप जंगल में जाएंगे, राज्य आपको मना कर देगा। क्यों कर देगा, क्योंकि वहां दुश्मन खड़े हुए हैं। तो राज्य वहां की परिस्थिति जान रहा है कि कि वहां खराब अवस्था है और आप वहां नहीं जा सकते। ओके, इसे कहते हैं पॉजिटिव लिबर्टी। नहीं पता चला कि आप कह रहे हैं सावन लगा है, झूला झूलना है, और वहां झूला झूल गया, तो ऐसा नहीं। इसलिए मिल भी सकारात्मक स्वतंत्रता की ओर आए, पॉजिटिव लिबर्टी की ओर, है ना, लेकिन थे वो रियल में नेगेटिव लिबर्टी। ओके, याद रखिए। यस यस, उस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं जब गलत है। मतलब कहने का ये है, जैसे मान के चलिएगा एक हमने आपको फैमिली का एग्जांपल दिया था, पिताजी आपके ऊपर जो प्रतिबंध लगाएंगे वो पॉजिटिव होगा। वो पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि वो आपके भविष्य को देखकर लगाते हैं। जैसे मान के चलिए आप ज्यादा समय तक टीवी मोबाइल चलाते हैं, तो पिताजी कहेंगे आज से तुम्हारा टीवी बंद, मोबाइल बंद, तो कहीं ना कहीं वो ये इसलिए लगा रहे हैं कि आप पढ़ जाइएगा, समझदार हो जाइएगा, फिर उसके बाद आप चीजें यूज करिएगा, फिर आप लिमिटेड चीजें यूज करेंगे। बच्चों को अधिकतर मना किया जाता है, किया जाता है, क्योंकि वो अवस्था इसीलिए, वो एक ग्रोथ की अवस्था होती है। उस समय में अगर बच्चे अच्छी चीजें सीखेंगे तो उसी अनुसार रहेंगे, है ना। और जब आप अपने अनुसार सोचते हैं तो आप नकारात्मक स्वतंत्रता कही जाती है, जिसमें आपको किसी भी प्रकार का डिस्ट्रक्शन नहीं लगाया जाता है, जो आप अपने लिए सोचते हैं। ओके, चल, महिलाओं के लिए एक समान स्वतंत्रता, इसे थोड़ा समझ लीजिएगा, और जो बैंथम है उनको भी आप देख लीजिए, पापा के घर में ड्यूटी होते ही फोन साइड में हो जाता है। ओके, चल, घर में महिलाओं के लिए समान स्वतंत्रता क्या है। बैंथम ने जहां महिलाओं के लिए क्या दिए, वोट देने का अधिकार नहीं दिया, ना किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता दी, लेकिन मिल ने यहाँ वोट देने की स्वतंत्रता दी महिलाओं को, समझा कि महिलाओं को, महिलाओं की अधीनता, उनके महिलाओं की स्थिति के लिए स्वतंत्रता के सिद्धांतों को लागू किया, महिलाओं को स्वतंत्रता होगी। स्वतंत्रता मानव प्रकृति की पहली और सबसे मजबूत इच्छा है, मानव में सभी आते हैं। ओके, ये चीज याद रखिए। उनके विचार है महिलाओं की अधीनता का कानूनी अधिकार अंग्रेजी विवाह अनुबंध कानून था, जिसके अनुसार महिलाएं अपने काम, अपने नाम पर संपत्ति नहीं रख सकती। महिलाओं को संपत्ति भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपनी दी, तो महिलाओं को सभी प्रकार की स्वतंत्रता हो। यस, वोट देने का अधिकार नहीं दिया, साक्षी वोट देने का अधिकार इन्होंने दिया है मिलने। ओके, सब कुछ दिया है। महिलाएं बच्चों की संरक्षण नहीं होती, यहां तक कि कानून का कोई भी प्रावधान भी नहीं है ना, वैवाहिक बलात्कार, मतलब महिलाओं को सारी प्रकार की समानता एवं स्वतंत्रता दी है। ओके, और इन्होंने 5 मत देने का निर्णय लिया कि जो शिक्षित व्यक्ति होंगे वो 5 वोट करेंगे और जो अशिक्षित हैं वो 1 वोट करेंगे। ओके, याद रखिए।
सर बैंथम ने नहीं दिया ये बोले, यस यस बैंथम ने नहीं दिया, मैंने समझा कि आपने बोला मिल, ओके यस। आधुनिक युग में स्वतंत्रता और समानता जैसे सिद्धांतों के साथ साथ लॉक ने गुलामी जैसी प्रथाओं का परहेज किया, लेकिन महिलाओं के अधिकारों से इनकार कर दिया क्योंकि उनके अनुसार सभी पुरुषों की महिलाओं की अधीनता में रुचि थी। जब मॉडर्न एज था तो वहां लोगों ने क्या था कि भाई महिलाओं को क्या किया था, महिलाओं को अधीन रखा था, महिलाओं के बारे में किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं लिया था, महिलाओं को किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं थी, लेकिन मिलने यहाँ दी थी, मिलने महिलाओं को इस तरह पाला गया कि वे दूसरे लोगों के नियंत्रण में काबिल हो। वो बताते हैं भाई, कहते हैं कि पहले प्राचीन और आधुनिक क्यों नहीं किसी भी लोगों ने मतलब एक जो बता दीजिए आपकी निरंतर चलती है मम्मी वर्क को खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो कई घरों में नहीं चलती है, कई फैमिली बहुत अच्छी हो चुकी है, कई क्या बहुत सारी हो चुकी है ना, कि अब बैठ के सारे लोग इनमें बैठ कर बात करते हैं। पहले के जमाने में बहुत समझा लोकतांत्रिक राजनीति के लिए विरोधी है क्योंकि उन्हें स्वतंत्र नागरिकों की आवश्यकता होती है जिन्हें सरकारी प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए। दूसरा यह मानसिक संस्कारों के मन को दोगुना कर देता है। क्यों क्यों कर देता है, पहले पुरुष अकेला सोच रहा था, अब महिला भी साथ में सोच रही है ना। अगर पुरुष कठोरता से सोचता है महिलाएं कोमल सोचती है, महिलाएं प्रेम भाव से सोचती है ना, ये चीज जाना। तीसरा महिलाओं को प्रदान की जाने वाली समानता निश्चित रूप से मानव जाति का बेहतर प्रभाव, मतलब महिलाओं जब समानता प्रदान कर दें अच्छा ही काम करें क्योंकि उन्हें एक अच्छा मिल जाएगा काम करने के लिए। कहा जाता है जब तक व्यक्ति को अपने काम करने के लिए अवसर नहीं दिया जाता तब तक व्यक्तियों की कुशलता या कौशल को पहचान नहीं कर सकते। महिलाओं को जब हमने स्थान दिया है ना समानता दी तो उन्होंने अपना काम किया और उन्होंने बेहतर किया। आज इंडिया में भी देख लीजिएगा जो चंद्रयान 3 हुआ तो उसकी लीडर महिलाएं थी, महिलाएं अच्छा भी करती आर्मी में देख लीजिएगा है ना। चौथा यह सबसे बड़ी संख्या की सबसे बड़ी शक्ति उपयोगितावादी मानदंड को पूरा करें, सबसे बड़ी सबसे अच्छी क्योंकि महिलाओं की पूरी कई गुना बढ़ जाएगी। अब जब सभी लोग महिलाएं जाएंगी, महिलाएं जब आएंगी महिलाएं क्या देखेंगी, महिलाएं अपनी परिवार के बारे में भी सोचेंगी,